वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में करंट डिवीजन फार्मूला ये टॉपिक का फिफ्थ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट अननोन रेजिस्टेंस आर, सेकंड करंट थ्रू आर, थर्ड वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, फोर्थ करंट थ्रू बोथ ब्रांचेस। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के वीडियोस में आपको बताए थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें, और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली ये वन बाय वन यहाँ पे सभी जो बिट्स है वो हम सॉल्व करेंगे। सर्किट में अगर हम प्रॉपरली चेक करेंगे, सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस दिए हैं 30 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 10 ओम और लास्ट में एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। यहां लिखा है आर, यहां लिखा है अननोन रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करो। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस का यहां पे पावर दिया है, क्या लिखा है 60 वाट, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पावर दिया है। तो ये पावर का यूज करके हम आसानी से इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस जो भी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहां पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बीट अगर हमें सॉल्व करना है, देखो सर्किट को अगर हम ये साइड में चेक करें तो यहां पे टोटल वोल्टेज कितना दिया है, यहां पे दिया हुआ नहीं है। देखो टोटल वोल्टेज यहां पे वी एब्सेंट है, ओनली प्लस माइनस बैटरी का सिंबल है, यहां पे हमने वी दे दिए। और लेकिन ये टोटल वोल्टेज जो भी है इसके वजह से टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो दिया है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 7 एम्पियर। अगर ये टोटल करंट 7 एम्पियर दिया है तो ये 7 एम्पियर चेक करो कि कहां कहां से फ्लो हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर ये टोटल करंट है तो पूरे सर्किट में ये फ्लो होगा और कहीं कहीं पे डिवाइड भी होगा। कहां कहां पे डिवाइड होगा चलो उसको यहां पे नेमिंग दे देते हैं। जैसे यहां पे जा रहा है ये जो 7 एम्पियर है इसको हम कहेंगे आईटी, यानी टोटल करंट आईटी। टोटल करंट को हमेशा आईटी से शो किया करो। अब ये यहां से फ्लो हो रहा है, ये आगे जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है आईटी, ठीक है ऐसे। फिर यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, देखो यहां पे नोड आ गया, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ जाएगा ऊपर, ठीक है कुछ गया ये ऊपर और कुछ गया ये नीचे ऐसे। जो ऊपर गया इसको नाम दे दो I1, जो नीचे डिवाइड हो रहा है उसको नाम दे दो I2, ठीक है। फिर ये I1 I2 आगे चल के फिर मिल जाएगा ये वाले नोड पे यहां पे, और मिलके फिर से I बन जाएगा, यानी आईटी बन जाएगा, यानी 7 एम्पियर बन जाएगा। और ये फिर इधर फ्लो होगा, क्या फ्लो हो रहा है अगेन 7 एम्पियर, यानी आईटी, अगेन ये आईटी फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये आईटी फिर यहां से आगे चल के ये जो अननोन आर है इसमें से भी यही आईटी फ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि अननोन आर जो है इसमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो है 7 एम्पियर। इसका मतलब ये है, ठीक है, ये आर में से आईटी फ्लो हो रहा है, यानी ही 7 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और फिर ये जो आईटी है वो आगे चल के इधर आएगा, ये साइड में यहां पे आएगा, और यहां पे आके जो है यहां पे नोड है, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके कुछ जो है वो ऊपर डिवाइड हो जाएगा, कुछ जो करंट है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा। जो ऊपर डिवाइड हुआ उसको नाम दे दो I3, और जो नीचे डिवाइड हुआ उसको नाम दे दो I4। फिर ये I3 I4 यहां पे मिल जाएंगे और ये मिलके फिर से बन जाएगा आईटी। ये देखो फिर से ये आईटी बन जाएगा, यानी 7 एम्पियर बन जाएगा, और फिर ये इधर फ्लो होगा। इस तरह से ये सर्किट काम करेगा। तो यहां पे ये 7 एम्पियर फ्लो हो रहा है, फिर ये डिवाइड हो रहा है, फिर ये मिलके 7 एम्पियर हो गया, फिर ये 7 एम्पियर इसमें से फ्लो हो रहा है, फिर यहां से आ जाएगा, फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर मिलके 7 एम्पियर हो जाएगा, फिर यहां पे इस तरह से। तो फाइनली इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस आर है जिसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है उसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या है, आईटी है, यानी 7 एम्पियर है। तो हम यहां पे अब लिख सकते हैं, ये लिखना जरूरी है, यहां पे हम ऐसा लिख लेंगे, फ्रॉम द सर्किट वी कैन से करंट थ्रू R is IT, यानी 7 एम्पियर, ठीक है, करंट थ्रू R is 7 एम्पियर, ये हमने यहां लिख दिए। सो अब हम यहां पे पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे 60 वैट उसके अक्रॉस का पावर दिया है। सो देयरफॉर पावर का फार्मूला यूज करेंगे। पावर का फार्मूला होता है I square R,
वो जो अननोन आर है उसके अक्रॉस का पावर दिया है ना, तो वो हम पावर का फार्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पावर पी इज इक्वल टू आई स्क्योर आर। सो पी यानी यहाँ पे हो जाएगा 60 जो दिया हुआ है, आई स्क्योर यानी 7 का स्क्योर, ठीक है, इन टू आर। सो देयर फोर यहाँ से हमें आर का वैल्यू मिल जाएगा, सो देयर फोर आर हो जाएगा ये 60/49, क्योंकि 7 स्क्योर यानी 49। बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो 60/49, तो ये आंसर आ चुका है 1.224। तो हमें फाइनली R का वैल्यू मिल चुका है 1.224 ओहम। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे therefore R is equal to 1.224 ओहम। तो इस तरह से क्वेश्चन का फर्स्ट बीट हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन R, अननोन रेजिस्टेंस R का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ये हमने फर्स्ट बीट को सॉल्व कर लिए। ठीक है, समझ में आया। इसके लिए हमने पावर का फार्मूला यूज किए, पावर जो दिया हुआ था वो और उसमें से फ्लो होने वाला करंट 7 एम्पियर उसका यूज किए और आसानी से हमने आर फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट बीट सॉल्व। चलो सेकंड बीट की तरफ जाएंगे। सेकंड बीट क्या फाइंड आउट करना है, देखो सेकंड बीट में यहां लिखा है करंट थ्रू आर, करंट थ्रू आर हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी अभी हमने कहा था स्टार्टिंग में करंट थ्रू आर जो है वो आईटी है 7 एम्पियर। तो हम यहां पे लिख लें, यहां पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, फ्रॉम द सर्किट करंट थ्रू आर, करंट थ्रू आर इज आईटी, दैट इज 7 एम्पियर। तो ये हमने यहां पे स्टेटमेंट में लिख लिए कि फ्रॉम द सर्किट करंट थ्रू आर इज आईटी यानी ही 7 एम्पियर। इसका मतलब ये सेकंड बीट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड बीट की तरफ चलते हैं। थर्ड में क्या लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस कहां पे है चेक करो, तो ये देखो ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। अब इसके अक्रॉस का वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो इसके अक्रॉस के वोल्टेज को हम कहेंगे वी, चलो इसको कहेंगे V1, ठीक है, हम ये V1, तो जाहिर सी बात है जो वोल्टेज 10 ओम के अक्रॉस का होगा वही वोल्टेज 20 ओम के अक्रॉस भी होगा। ये दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। ये दोनों पैरेलल में है, इसका मतलब दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज सेम रहेगा, हमने उसको नाम दे दिया V1। हमें यहां पे V1 फाइंड आउट करना है, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम यानी V1। लेकिन अगर आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए करंट पता होना चाहिए। अगर आपको 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट क्या है, I4 है, हमें पहले ये I4 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये I4 फाइंड आउट कर लिए तो समझ लो जो है हमें V1 मिल जाएगा। और अगर हम फोर्थ बीट चेक करेंगे, देखो क्या लिखा है, करंट थ्रू बोथ ब्रांचेस, फोर्थ बीट में लिखा है करंट थ्रू बोथ ब्रांचेस। अगर हम यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, यहां पे दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यहां पे भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, यहां पे भी हमें I1 I2 दिख रहा है, यहां पे भी दो करंट I3 I4 दिख रहा है। तो हमें इनडायरेक्टली सभी करंट्स फाइंड आउट करना है। ये दोनों ब्रांचेस में फ्लो होने वाला करंट I1 I2 फाइंड आउट करना है, और ये दो ब्रांचेस में भी फ्लो होने वाला करंट I3 I4 फाइंड आउट करना है। I1 I2 I3 I4 फाइंड आउट करना है, ये चारों फाइंड आउट करना यानी फोर्थ बीट को सॉल्व करना। और ये चारों में से I4 का यूज करेंगे तो V1 मिल जाएगा और फिर थर्ड बीट भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम पहले फोर्थ बीट सॉल्व करेंगे और फिर हम थर्ड बीट सॉल्व करेंगे, ऐसा है। तो और अगर आपको ये I1, I2, I3, I4 फाइंड आउट करना है तो ऐसे में अब आपको करंट डिवीजन फार्मूला, करंट डिवीजन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो चलो करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम I1, I2 निकालते हैं। तो चलो यहां पे थर्ड स्टेप, यहां पे थर्ड नहीं फोर्थ स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम, पहले फोर्थ बीट है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखेंगे फोर्थ बीट, I1, I2, I3, I4 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर हमें I1 I2 फाइंड आउट करना है तो एक काम कर लेंगे, ये I1 I2 के लिए ये इतना जो सर्किट है वो अलग से यहां ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, अब हम लिखेंगे ये है 30 ओम, ये है 15 ओम। ठीक है, और अब यहां पे करंट वगैरह शो करो, इधर से फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर यानी IT, इधर से फ्लो हो रहा है IT और IT डिवाइड हो रहा है, यहां पे कुछ इधर जा रहा है और कुछ इधर जा रहा है ना। जो ऊपर गया उसका नाम है I1 और जो नीचे गया उसका नाम है I2। तो हमें यही I1 I2 पहले फाइंड आउट करना है। एक बार I1 I2 मिल गया तो फिर हम I3 I4 भी इसके बाद निकालेंगे। अब देखो I1 I2 कैसे निकालना,
अब ये I1 I2 निकालने के लिए जो हमने कहा था कि करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करना है, चलो हम आपको करंट डिवीजन फार्मूले से सॉल्व करके बताते हैं। लेकिन सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका भी है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कोई और वे से भी, आंसर देखना एक ही आएगा। देखो अगर हमें करंट डिवीजन रूल का यूज करना है तो करंट डिवीजन रूल का यूज क्यों कर रहे हैं पहले वो समझ लो, क्योंकि करंट यहां पे डिवाइड हुआ। करंट डिवीजन रूल वहीं पे यूज होता है जहां पे करंट डिवाइड होता है, और करंट डिवाइड कहां पे होता है, नोड पे। करंट हमेशा नोड पे डिवाइड होता है। देखो ये करंट IT यहां से आ रहा है और ये नोड है, यहां पे करंट डिवाइड हो रहा है, कुछ ऊपर गया कुछ नीचे गया, ऊपर का I1 नीचे का I2। तो I1 I2 में से कुछ भी अगर फाइंड आउट करना हो तो आपको करंट डिवीजन रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम यूज कर लेंगे। तो हम यहां लिख लेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, बाय CDR, हमने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन एग्जाम में लिखते समय पूरा फुल फॉर्म में आपको लिख लेना है। बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल हम फाइंड आउट करेंगे I1। ठीक है, अब I1 फाइंड आउट करना है करंट डिवीजन रूल से, तो करंट डिवीजन रूल का फार्मूला क्या है वो पता होना चाहिए। फार्मूला बताते हैं, सुनो, करंट डिवीजन रूल का फार्मूला हम यहां पे लिख रहे हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लो। IX इज इक्वल टू आई टोटल इंटू आर अपोजिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर अपोजिट, डिवाइडेड बाय आर अपोजिट प्लस आई करंट, ऐसा लिख लो। ठीक है, ये अपने अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये फार्मूला हमने जो लिखा है इसके तरफ आप ध्यान दो, क्या लिखा है हमने यहां पे, तो यहां पे जो लिखा है IX माने जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो, उसके बाद IT यानी टोटल करंट, उसके बाद ये लिखा है R अपोजिट यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है ना, और यहां पे R करंट यानी करंट ब्रांच में से करंट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऐसा। तो ये फार्मूला है, चलो ये फार्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये जो I1 हमें फाइंड आउट करना है वो IX के जगह पे प्लेस करो, उसके बाद IT लिखना है तो IT यहां लिख लो। IT यानी क्या है, 7 एम्पियर, तो हम यहां लिख लेंगे 7 इंटू, ठीक है, IT यानी 7 एम्पियर। उसके बाद R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, देखो करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 I2, तो ये दोनों में से हम फिलहाल I1 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I1 के लिए I2 वाली ब्रांच हो जाएंगी अपोजिट ब्रांच। ठीक है, तो ये I2 वाली ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है, 15 ओम, तो ये लिख लो 15 ओम रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच ऊपर भी एंड नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, करंट आप यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है 30, तो यहां लिख लो 30। ठीक है, तो ये हम यहां लिख लेंगे 30। तो ये देखिए फाइनली फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने लिख दिए। ठीक है, IT है तो ये देखो IT की जगह 7, ठीक है ना, उसके बाद है R अपोजिट ऊपर नीचे, ये देखो R अपोजिट ऊपर नीचे, उसके बाद R करंट, तो ये देखो R करंट यानी करंट जहां से फाइंड आउट करें वहां का रेजिस्टेंस, इस तरह से। बस इसको सॉल्व करो, देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो हम यहां लिख लेंगे 7 into 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 45, तो ये आंसर आ चुका है 2.333 एम्पियर। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें I1 मिल चुका है, I1 यानी करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट ब्रांच। देखो यहां पे दो ब्रांचेस है ना, I1 I2, उसमें से I1 मिल गया। अब बस I2 निकालना है, तो I2 निकालने के लिए आप इसी तरह का करंट डिवीजन रूल का फार्मूला यूज करो तो चल जाएगा। ठीक है, तो चलो हम यहां पे लिखते हैं, सो नाउ I2 बिल्कुल ऐसा ही, I2 इज इक्वल टू, तो टोटल करंट आएगा पहले यानी 7 इंटू यहां पे R अपोजिट यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। देखो I1 I2 में से अभी हम I2 निकाल रहे हैं, तो I2 के लिए I1 वाली ब्रांच हो जाएंगी अपोजिट ब्रांच, तो उसका रेजिस्टेंस है 30, तो वो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट करें वहां का रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा 15। ठीक है, ये देखो बस अब इसको सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं। तो ये 7 into 30 डिवाइडेड बाय 45, तो ये हो जाएगा 4.666 एम्पियर। तो ये हमें I1 I2 दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, ओके, हमें I1 भी मिल गया, हमें I2 भी मिल गया, यानी दोनों ब्रांचेस में से फ्लो होने वाले करंट I1 I2 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसको सॉल्व करने का यही एक टेक्निक है, ऐसा नहीं, आप इसको कोई और वे से भी सॉल्व करके चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर जो है वो एक ही चाहता है। अभी हमने करंट डिवीजन रूल का यूज किए, अगर आपने करंट डिवीजन रूल का यूज नहीं किए तो भी चलता है, बिना करंट डिवीजन रूल के भी सॉल्व होता है ये, कैसे देखो हम आपको बता रहे ट्रिक क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको दोनों में से कोई भी एक करंट निकालना है, I1 I2, जैसे हमने यहां पे I1 निकाल लिए, तो I2 जो है, देखो I2 हमने करंट डिवीजन रूल से निकाले, I2 इसी से निकालना जरूरी नहीं है,
I2 के लिए आपके पास ये एक एक और ऑप्शन था, पता है आपको कि I1 प्लस I2 IT होता है। देखो I1 प्लस I2 IT होता है ना, तो अगर आपने I1 की वैल्यू यहां रखे 2.333 और अगर आपको I2 फाइंड आउट करना है और IT है 7, तो I2 इज इक्वल टू 7 माइनस 2.333 करो तो आंसर वही आएगा, 7 माइनस 2.333 आंसर 4.666 आएगा। यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ये नहीं आपको बोलना चाह रहे, हम आपको ये बोलना चाह रहे कि ये दोनों जो हमने फाइंड आउट किए हैं फिलहाल करंट डिवीजन रूल से निकाले, लेकिन बिना करंट डिवीजन रूल के निकालना है तो क्या कोई तरीका है यहाँ पे? बिल्कुल है। देखो क्या है, जरा सुन लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिना करंट डिवीजन रूल के भी हम I1 I2 निकाल सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे देखो कि सर्किट में जो दो ब्रांचेस पैरेलल में है उनका वैल्यू क्या है। देखो एक है 15, दूसरा है 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनो कि बिना करंट डिवीजन रूल के I1 I2 कैसे निकालना। हमें टोटल करंट पता है 7 एम्पियर यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, तो I1 I2 का वैल्यू हमें निकालना है विदाउट करंट डिवीजन रूल। कैसे निकालते हैं जरा ध्यान से देखो, ये जो दो ब्रांचेस है ये दोनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है चेक करो। ये 15 है, ये 30 है ना, 15 30, मतलब जो है देखो 15 का डबल यहां है ना, 15 का डबल यहां है और 30 का हाफ यहां है। और अगर हम करंट की अगर बात करें, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस ब्रांच में से फ्लो होता है, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस ब्रांच से ज्यादा फ्लो होता है और हाई रेजिस्टेंस ब्रांच से कम फ्लो होता है। देखो कैसे, यहां से टोटल करंट फ्लो हो रहा है ना, देखो ये आ रहा है टोटल करंट 7 एम्पियर, देखो ये आ रहा है टोटल करंट 7 एम्पियर ही आ रहा है ना। ये करंट यहां पे आने के बाद ये जब डिवाइड होगा ना दो पार्ट में I1 I2 में, तो करंट चेक करेगा कि इधर का आर क्या है और इधर का आर क्या है। करंट को समझ में आएगा इधर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इधर में रेजिस्टेंस कम है, तो इधर रेजिस्टेंस कम है तो इधर से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और इधर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इधर से मिनिमम करंट फ्लो होगा। क्योंकि आपको आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस हमेशा करंट के फ्लो को अपोज करता है ना, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस ब्रांच में से फ्लो होने का ट्राई करेगा। तो यहां पे देखो लो रेजिस्टेंस ब्रांच ये है, तो यहां से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, यहां से मिनिमम करंट फ्लो होगा। अब ये कितना कितना फ्लो होगा ये कैसे समझ में आएगा, देखो अब मान के चलो कि दोनों सेम होते, मान के चलो अभी फिलहाल हम एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहे, मान के चलो कि दोनों 30 30 होते, ये भी 30 ये भी 30, अगर दोनों 30 30 होते तो करंट इक्वली डिवाइड हुआ रहता, इक्वली, जैसे ये 7 एम्पियर है ना तो इक्वली हाफ ऊपर गया रहता 3.5 एम्पियर और हाफ नीचे आया रहता 3.5 एम्पियर, अगर दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होता तो। लेकिन दोनों सेम है क्या अभी, नहीं है, एक कम है एक ज्यादा है, या ऐसा बोलो इसका डबल यहां पे है इसका हाफ यहां पे है, तो करंट का भी वैसे ही रहेगा, करंट का भी वैसे ही रहेगा, सुनो करंट का क्या रहेगा, करंट भी हाफ इधर जाएगा, हाफ का डबल इधर जाएगा, इधर डबल रहेगा इधर हाफ रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो पोजीशन है उसके उल्टे में, इधर रेजिस्टेंस हाफ है इधर रेजिस्टेंस फुल है, इधर रेजिस्टेंस अगर हाफ है तो इधर करंट फुल रहेगा और इधर करंट हाफ हो जाएगा। अब वैल्यू कैसे निकालना, तो वैल्यू निकालने का टेक्निक यह है कि रेजिस्टेंस का अभी ये जो दोनों नंबर है ना इनको प्लस करो, 30 प्लस 15 कितना 45 है ना, 30 प्लस 15 45, देखो 30 प्लस 15 45 है ना, तो 45 को तीन पार्ट में डिवाइड करो, 45 को तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 15 15 15 हो जाएंगे, है कि नहीं, उसमें से एक 15 यहां पे है, एक 15 यहां पे है, ये जो 15 है वो यहां पे है और ये दोनों 15 को प्लस करो तो क्या हो गया 30, और वो 30 यहां पे है, मतलब एक पार्ट यहां पे है और बाकी दो पार्ट को कंबाइन करके यहां पे दिया है। जैसा हमने दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू का प्लस किए उसको तीन पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट यहां दिए दो पार्ट यहां दिए, बिल्कुल ऐसा ही करंट के साथ भी करो। करंट का वैल्यू क्या है, टोटल करंट क्या है 7 एम्पियर, तो करंट को भी तीन पार्ट में डिवाइड करो, करंट को अगर हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे यानी 7/3 करो, 7/3 क्या आएगा, 7/3 आएगा 2.333, ठीक है, तो ये 2.333 तीन बार यहां पे लिख लो, 2.333 तीन बार लिख लो, देखो 7 को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिए, 2.333 तीनों को ऐड करो तो हो जाएगा 6.999 यानी अप्रोक्सीमेटली 7
है कि नहीं। तो हमने जैसा करंट को, अभी देखो करंट को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किए, तो एक पार्ट इसको दे दो और दो पार्ट का प्लस इसको दे दो, एक पार्ट ये 30 ओम में से जाएगा, मतलब ये जो 2.333 है ये 30 में से जाएगा, ठीक है। और ये बाकी के जो दो 2.333 है उनको प्लस कर लो, एक मिनट, तो एक मिनट ये इससे बताते हैं। ये देखो ये 2.333 30 ओम में से फ्लो हो जाएगा और ये बाकी के जो दो है इनको कंबाइन करो और इनको कंबाइन करके जो भी आएगा वो 15 में से फ्लो होगा, मतलब 30 में से जाएगा 2.333 और उसका डबल 15 में से फ्लो होगा जो कि 4.666, क्योंकि बाकी रिमेनिंग जो 2.333 है उनको प्लस करो तो 4.666 आता है, समझे। तो बिना करंट डिवीजन रूल के भी ये हमने आपको निकालना बता दिए। देखो यहां पे इसी तरह से निकाले, ये देखो हमने I1 निकाले, I1 निकाले ना 2.333, I1 यानी 30 ओम में से फ्लो होने वाला करंट, ये हमने प्रूफ किए। और यहां पे भी I2 निकाले हमने 4.666, जो हमने यहां पे कंक्लूजन से निकाले थे वही चीज हमने यहां पे एनालिटिकली आपको प्रूफ करके बता दिए इस तरह से। तो ये हमने आपको क्रॉस चेक करना बताया, ये क्रॉस चेक करने का टेक्निक है। तो इसी टाइप का चेकिंग जो है यहां पे भी हो सकता है। देखो यहां पे टोटल करंट आईटी इधर से आ रहा है, देखो इधर से आईटी आ रहा है, कितना आ रहा है 7 एम्पियर, यहां से आ रहा है 7 एम्पियर। तो अगर इधर से 7 एम्पियर आ रहा है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I3 I4, कुछ I3 कुछ I4। अब ये I3 I4 निकालना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू चेक करो, यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10, यहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू है 20, मतलब इधर हाफ है इधर फुल है। तो अगर इधर हाफ है तो 10 ओम में से करंट ज्यादा फ्लो होगा और इधर 20 है तो 20 ओम में से करंट कम फ्लो होगा। करंट इधर फुल होगा इधर हाफ होगा, इसका मतलब यह है करंट के तीन पार्ट करो, यानी 7 को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 2.333 आएंगे तीन, ठीक है ना। उसमें से एक 2.333 इसमें से फ्लो होगा 20 ओम में से, एक 2.333 20 ओम में से फ्लो होगा और बाकी दोनों का प्लस यानी 4.666 10 ओम से फ्लो होगा, क्योंकि 10 ओम का वैल्यू कम है ना तो करंट ज्यादा फ्लो होगा और 20 ओम का वैल्यू ज्यादा है ना तो करंट कम फ्लो होगा। चलो इसको अब प्रूफ करके बताते हैं आपको, यानी लिख के। तो चलो हम यहां पे फिर से करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे और यहां पे I3 I4 फाइंड आउट करेंगे। तो चलो यहां पे फाइंड आउट करते हैं, फिर से हमें ये जो डायग्राम है ना, ये इतना साइड का, वो हमें फिर से निकालना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे करंट डिवीजन रूल का अगर हम यूज करेंगे तो हम यहां लिख लेंगे बाय CDR यानी बाय करंट डिवीजन रूल, I3 इज इक्वल टू टोटल करंट लिखो 7, ठीक है, और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस। I3 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I4 वाला ब्रांच अपोजिट हो जाएगा, यहां पे 10 लिखा है तो 10 हो जाएगा अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच यानी 20, तो यहां पे 20, तो ये 70/30, तो ये आ जाएगा 2.333 एम्पियर। आप चाहे तो चेक कर लो, देखो हम चेक करके बता दें, 70/30 ये आ चुका है 7/3 यानी 2.333, ठीक है। इसी तरह से आप I4 निकाल सकते हैं, तो फाइनली I4 बिल्कुल ऐसे ही निकाल सकते हैं आप चाहे तो, या तो 7 माइनस 2.333 करो तो आपको 4.666 आ जाएगा। सो टोटल करंट 7, रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच 20, 20 ऊपर भी 20 नीचे भी प्लस 10, तो ये आ जाएगा 4.666 एम्पियर। ध्यान में रखो I3 के लिए I4 वाली ब्रांच अपोजिट हो जाएंगी और I4 के लिए I3 वाली ब्रांच अपोजिट हो जाएंगी, यहां पे भी बिल्कुल उसी टाइप से है। I1 के लिए I2 वाली ब्रांच अपोजिट, तो I2 के लिए I1 वाली ब्रांच अपोजिट, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सभी ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट कर लिए, हमने I1 I2 I3 I4 फाइंड आउट कर लिए, यानी ये फोर्थ बिट सॉल्व हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि थर्ड बिट अभी भी पेंडिंग है। थर्ड बिट में क्या लिखा था, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना था। 10 ओम यानी ये जो है ना रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको उसके अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो उसमें से फ्लो होने वाला करंट I4 पता है क्या? यस पता है, I4 अभी हमने निकाले, बस इसका यूज करो और 10 ओम में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो। अब ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अब बस ये लास्ट कुछ स्टेप्स रहेंगे। तो हम यहां पे लिख लेंगे अब थर्ड बिट जो हमें सॉल्व करना है, थर्ड बिट सॉल्व कर रहे हैं, करंट वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज फाइंड आउट करना है ना, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम यानी V ऑफ 10, देखो ऐसा लिख लिए V ऑफ 10,
ये हम ऐसा लिख लेंगे V of 10 नहीं V1 सॉरी, वहां पे हमने ऑलरेडी नाम दिया है V1, तो हम यहां पे V1 लिख लेंगे। V1 इज इक्वल टू, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला ओम्स लॉ का V इज इक्वल टू I इंटू R, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दैट ये है I4 इंटू उसका रेजिस्टेंस यानी 10, यानी I4 इंटू 10। तो I4 क्या है, I4 है 4.666 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 46.66 वोल्ट। तो फाइनली हमने V1 फाइंड आउट कर लिए, इट मींस हमने 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिए, और इस तरह से फाइनली ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया जो क्वेश्चन में कहा था फाइंड आउट करने को, 4 बिट सॉल्व करने के लिए कहा था। छोटा सा छोटा कर लेते हैं ताकि एक सिंगल बोर्ड पे ये आ जाए। देखो 4 बिट सॉल्व करने के लिए कहा था, चारों बिट्स हमने ये सॉल्व कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन में कहा था अननोन रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करो, ये आर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किए वो ये था, ठीक है। उसके बाद आर में से फ्लो होने वाला करंट फाइंड आउट करो, तो ये देखो करंट थ्रू आर इज 7 एम्पियर, ये हमने यहाँ लिख लिए। उसके बाद 10 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो ये हमने फाइंड आउट किए V1 जो कि आया 46.66 वोल्ट, और चारों ब्रांचेस में से फ्लो होने वाला करंट I1, I2, I3, I4 भी फाइंड आउट कर लिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टेप्स, सभी पॉइंट्स जो हमने आपको बताया है, ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको वो 100% सॉल्व करते आना ही चाहिए। तो ये था करंट डिवीजन फार्मूला, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।